नमस्कार, मैं हूं कृष्णदेव और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय बाढ़ के पास। यहां स्टाफ की कमी के कारण यहां के जो पशु पालक हैं तथा यहां के जो कर्मचारी हैं दो तीन, उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यह पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। यहाँ के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ ड्रेसर और कंपाउंडर के साथ साथ स्वीपर इत्यादि सहित 5-6 स्टाफ की जो है कमी है, जिसके कारण यहाँ काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल का संचालन करने में जो है दिक्कतें आ रही है। वहीं जब मैंने यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि काफ़ी समय से जो है इसके लिए मांग की जा रही है, कर्मचारियों की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसको लेकर यहाँ काफ़ी दिक्कतें आती रहती है। पशु चिकित्सालय में जब पशु घायल अवस्था में पहुँचते हैं या फिर पशुओं को किसी तरह की बीमारी होती है तो वैसी स्थिति में कंपाउंडर की और ड्रेसर की आवश्यकता होती है। हालांकि स्थानीय लोगों को यहाँ पर इन कार्यों के लिए रखा गया है, लेकिन वो परमानेंट तौर से यहाँ के वो कर्मचारी नहीं हैं। वे अपना सहयोग करते हैं, लेकिन सोचिए कि अगर वो यहाँ नहीं आए, न तो उस पर कोई दबाव बना सकता है और न ही उसको ज़बरदस्ती कर सकता है। उसके साथ अगर वो नहीं आए तो फिर पशु चिकित्सालय का क्या होगा? एक और दिलचस्प बातें सामने आई है यहाँ पर। वो दिलचस्प बातें ये है कि जैनेन्द्र कुमार नाम का एक व्यक्ति यहाँ स्वीपर के रूप में बहाल हुआ है, लेकिन डिपुटेशन के आधार पर, प्रतिनियुक्ति के आधार पर वे पटना में काम कर रहा है। उसके बदले में उन्हें तनख्वाह भी दी जा रही है, परिवहन भत्ता भी दिया जा रहा है और पटना का जो है हाउस रेंट लेकर जो है बाढ़ में नियुक्ति पा करके पटना में रह रहे हैं, जबकि बाढ़ में ऐसी कोई वजह नहीं दिखाई देती है। जबकि यहाँ स्टाफ नहीं है, यदि यहाँ स्टाफ होते तो प्रतिनियुक्ति किया जा सकता था, लेकिन जब स्वीपर एक ही है उसके बाद प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, यह थोड़ा सोचने वाली बात है कि पटना में रह करके जो है वे अपना वेतन उठा रहे हैं सरकारी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वीपर के बिना जो है गंदगी जो है फैली हुई है। देख सकते हैं यहाँ सफाई का कितना अभाव है। आप देख सकते हैं, आपको हम विजुअल में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ का जो लैट्रिन और बाथरूम जो है वो भी कितना गंदा पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में कल्पना की जा सकती है कि किस तरह से यह हॉस्पिटल कार्य कर रहा होगा। क्या हुआ बकरी को, क्या वो प्रॉब्लम है? मतलब तबीयत खराब, तो कैसे पता चला आपको कि तबीयत खराब है? है खाना में नहीं खा रहा है। खाना नहीं खा रही थी बकरी? कहाँ घर हुआ? अकबरपुर। क्या नाम है? लाल मोहन चौधरी। है लाल मोहन चौधरी। लाल मोहन चौधरी। कई को पशु रखे हुए? सर, बाढ़ का ये एकमात्र अनुमंडल पशु चिकित्सालय है। यहाँ पर स्टाफ की कमी बताई जा रही है, जिसके कारण दिक्कतें भी आ रही है, तो क्या कारण है स्टाफ की कमी होने का? हमारे यहाँ मात्र एक किरानी में रोशन कुमार और डाटा एंट्री ऑपरेटर में निशांत कुमार पोस्टेड हैं, जबकि हमारे यहाँ क्लास 4 में गार्ड का और परिचारी का पद है। एक परिचारी है भी जिनका सचिवालय में प्रतिनियुक्ति है और वो हमारे यहाँ दोनों पद खाली है, प्लस मिश्रक का वो भी पद खाली है। सारे स्टाफ की कमी है हमारे यहाँ। तो इससे तो काफ़ी दिक्कत आती होगी? बहुत सारी दिक्कत हो रही है, इलाज में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कुल कितने स्टाफ की कमी है सर यहाँ पे? 5-6। कौन कौन से स्टाफ नहीं है? कार्यालय परिचारी दो नहीं है। कार्यालय परिचारी? हाँ, परिचारी। स्वीपर नहीं है, मिश्रक नहीं है, नाइट गार्ड नहीं है। अच्छा।
कार्यालय परिचारी आप ये ड्रेसर को कहते हैं या फिर नहीं? क्लास फोर इम्प्लाई को अब नया नॉर्म हम लोग के यहाँ विभाग में कार्यालय परिचारी के रूप में संबोधित किया जाता है। अच्छा, ड्रेसर है या? ड्रेसर नहीं है, नाइट गार्ड। तो क्या सर, आपने कभी इस संबंध में अपने विभाग को लिखा है? मैं यहाँ जुलाई 2023 से पदस्थापित हूँ। जब जैसे ही मैं यहाँ पर योगदान दिया था, उसके तुरंत बाद इस संबंध में अपने विभागीय पदाधिकारी को लिखे थे। उसके बाद मैंने कई एक बार इसको रिमाइंडर दिए, DHO साहब को, उसकी कॉपी RD साहब को भी दिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस पर कार्रवाई होगी या फिर से रिमाइंडर देना पड़ेगा? हमको तो आशा कम है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे विभाग में पद के अनुसार बहुत कम कर्मचारी पदस्थापित हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह है, मैं पशु शल्य चिकित्सक बाढ़ हूँ। देखिए सर, पशु चिकित्सालय में स्टाफ की समस्या सबसे पहले है। यहाँ पर ऑलरेडी 5 पोस्ट खाली है, जिसमें हमारा कंपाउंडर का पोस्ट खाली है, ड्रेसर का पोस्ट खाली है, नाइट गार्ड खाली है, प्यून का खाली है, और एक स्वीपर सब माली है, वो है, लेकिन उनका डिप्टेशन निदेशालय यानी सचिवालय में है। और यहाँ पर डॉक्टर साहब है, बड़ा बाबू है, और हम हैं बस। डॉक्टर के कितने पद हैं यहाँ पर? एक पद है सर। नहीं, सिर्फ बाढ़ अनुमंडल, जैसे ये अनुमंडल का अस्पताल है, यहाँ मोकामा से लेके बख्तियारपुर तक जितने भी आते हैं सभी को दवा मिलता है। तो हर पशु की दवा उपलब्ध रहती है किसी किसी खास कर? नहीं, लगभग सब दवा उपलब्ध रहती है। जो दवा जो जो जिस बीमारी से मान लिया कोई आया, उसको बीमारी का दवा मिलता है। तो यहाँ पशुओं का चिकित्सा प्रॉपर होता है सर? क्या नाम होता है? मेरा नाम हुआ निशांत कुमार सिंह, अब मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर हूँ।